हेलो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पर सीईटी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम छूट चुका है, तो अभी बच्चों से पूछते हैं कैसा रहा उनका एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम में क्या क्या परेशानी आई, सारी चीज़ें आपको अभी बताते हैं। अगली शिफ्ट वाले जो पांच शिफ्ट वाले 5 तारीख का जो पेपर है और जो 11 तारीख का जो पेपर है, उस पेपर को अपन पूरा अभी बताएंगे कि अपन को क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो सारी डिटेल आपको अभी बच्चों से पूछते हैं कैसा रहा उनका एग्ज़ाम। बच्चे कम्प्लीटली यहाँ पर मोदी कॉलेज से आ रहे हैं, मोदी कॉलेज कोटा से, तो अभी यहाँ पर हार्ड रहे, कितने क्वेश्चन यहाँ पर टफ देखने को मिले, सारी चीज़ें अभी बच्चों से पूछते हैं। तो कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? हाँ, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। कौन से क्वेश्चन टफ देखने को मिले यहाँ पर? वैसे ज़्यादा टफ नहीं थे। अच्छा, कितने मतलब मैथ के कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं? लगभग लगभग होंगे 5-10 क्वेश्चन। 5-10 क्वेश्चन। रीजनिंग के? रीजनिंग के भी इतने ही थे। और क्या ज़्यादा है जीके का पार्ट यहाँ पर कितना देखने को मिला? आप और ठीक है, ठीक है। तो कैसा रहा एग्जाम? एक नंबर। कितने क्वेश्चन आए? 150। हाँ। कितने क्वेश्चन यहाँ पर टफ देखने को मिले? मतलब ये 150 तो यार। 150? हाँ। 150 में 150 का टफ देखने को मिले यहाँ पर। हाँ। कौन मैथ के कितने क्वेश्चन आए लगभग? वो तो आप पता दिए यार, आए हुए 10-15। क्या एग्जाम? मस्त गया। कितने क्वेश्चन तो मतलब आसान मिले? 50 आसान मिले। और जीके कितनी आई लगभग? जीके कितनी आई? जीके 50 क्वेश्चन। जीके 50 क्वेश्चन। और जो मैथ के कितने क्वेश्चन यहाँ पर आए? मैथ के 25। रीजनिंग के? रीजनिंग के 10। और साइंस वगैरह आई यहाँ पर? हाँ, साइंस में ना। और हिंदी इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आए लगभग? हिंदी इंग्लिश का ऑलमोस्ट 10-10। तो कैसा रहा आपका एग्जाम? ठीक रहा। कितने क्वेश्चन मतलब हार्ड मिले, मॉडरेट मिले? या पेपर तो लेवल का था। हाँ? और मुझे लगता है कि 70-80% ही जाएगी। 70-80%। तो कौन सा पार्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा टफ मिल रहा है? साइंस का। और साइंस मैथ के अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ। क्या नाम है? जितेंद्र नायक। और आने जाने में कोई परेशानी? नहीं। कितने क्वेश्चन यहाँ पर टफ मिले? ज़्यादा तो नहीं थे, सिंपल ही थे। जीके का पार्ट कितना आया लगभग? जीके का पार्ट काफ़ी आया और साइंस का भी ज़्यादा आया था। तो साइंस के क्वेश्चन कैसे आए, मतलब मॉडरेट आए या टफ आए या सिंपल आए? मॉडरेट आए। और जो मैथ के क्वेश्चन थे वो कितने आए लगभग? सिंपल थे बट ज़्यादा नहीं आए थे, 10-15 थे। अच्छा, 10-15। कहाँ से आए हो आप? सवाई माधोपुर। थैंक यू। कैसे क्वेश्चन आए भैया? बहुत अच्छा है। अच्छा, ईजी आया। कितनी लगभग मतलब यहाँ पर जैसे मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो कितने आए लगभग? मैक्सिमम जितने मैथ के क्वेश्चन आने चाहिए थे उतने आए नहीं है, और मैथ का जो लेवल है बिल्कुल ही स्लो आया है। अच्छा, लगभग 10-12 क्वेश्चन मैथ के होंगे, और रीजनिंग भी साथ में इंक्लूड कर दिया। अच्छा, रीजनिंग भी। और साइंस के क्वेश्चन? साइंस के क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक थे, अच्छे थे, 10-15 क्वेश्चन थे। मॉडरेट कह सकते हैं अपन? मॉडरेट से भी ऊपर कह सकते हैं। टफ कह सकते हैं? हाँ, टफ से मतलब एक लेवल था, एनसीईआरटी पैटर्न पूरा फॉलो कर रहा है। अच्छा, एनसीईआरटी पैटर्न। और जो जीके के क्वेश्चन कौन से मतलब ये हिस्ट्री ज़्यादा है या आर्ट्स, ज्योग्राफी? ज्योग्राफी हिस्ट्री से सब कॉमन पूछा गया है एक्चुअल में, जो ऊपर से जो क्वेश्चन थे वही पूछे गए, ऐसा नहीं है कि डीपली कहीं से जाके पूछ रहा हो। तो राजस्थान जीके में या इंडिया जीके में किसका पार्ट ज़्यादा रहा है? लगभग तो राजस्थान का पोर्शन ज़्यादा पूछा है। इंडिया जीके में इन्होंने ज्योग्राफी को टारगेट किया है, पर राजस्थान में हिस्ट्री को ज़्यादा टारगेट कर रहा है। करंट के कितने क्वेश्चन आए लगभग? करंट के बहुत क्वेश्चन आए, लगभग 10-15 की करंट आ रही है लगभग। लगभग मेरे एक पूछा था कि यूपी के आदित्यनाथ योगी जो सीएम बने वो कौन से नंबर के सीएम बने, आप देख लो आप कब की करंट होगी। नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें, ऑल 150 आउट ऑफ 150 कर रहे हैं सब लोग, देखो कितना स्कोर बनता है। और फोर्थ जो भी अब नेक्स्ट बची है तो उनको अच्छा ही पढ़ना चाहिए, थोड़ा अच्छा पढ़ना चाहिए, और ऐसा डीपली अंदर से कुछ नहीं पढ़ना है। राजस्थान मान चित्रावली से ऊपर से पढ़ लो, वही क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, और जो अंदर से पूछ रहा है वो तो एक आध सरप्राइज क्वेश्चन होंगे, उनको ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। और प्रीवियस ईयर के कुछ बैठ रहे हैं क्वेश्चन? प्रीवियस ईयर के पूछ रहा है ना? प्रीवियस ईयर के पूछे जा रहे हैं, लगभग प्रीवियस ईयर के पूछ रहा है, वन लाइनर क्वेश्चन पूछ रहा है एक बार में। हिंदी इंग्लिश जितनी आनी चाहिए थी उतनी इंग्लिश नहीं आई पाई है। हिंदी के मीडियम लगभग 2-5 क्वेश्चन है, इंग्लिश के भी 2-5 क्वेश्चन आए। जितनी आनी चाहिए थी सिलेबस के साथ उतनी नहीं आ पाई। पढ़ के आए हो? हाँ। तो कौन सा पार्ट टफ लगा? तब तो सर वो इंडिया का ही थोड़ा बहुत, और बाकी तो सब नॉर्मल है। अच्छा, तो नहीं है सर। अच्छा, टफ नहीं है, नॉर्मली है। तो एनसीईआरटी बेस से क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं? एनसीईआरटी से आ रहे क्वेश्चन तो। अच्छा, तो और मैथ के कैसा लगा कि पैटर्न? मैथ का ठीक है, जो सिलेबस में दे रखा था उसी अकॉर्डिंग पेपर आया या थोड़ा टफ आ रहा है पेपर या अदर आ रहा है? सिलेबस से तो एवो है, क्योंकि ये काफ़ी बहुत बड़ा पेपर है। जीके का पेपर, जीके कैसी आई? जीके भी ठीक थी, ऐसे नॉर्मली थी। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? बारह डिस्ट्रिक्ट से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा रहा आपका एग्जाम? पेपर अच्छा रहा। कितने क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल मिले?
सही था, श्री जी क्लासेस में पढ़ता था मैं तो। अच्छा श्री जी क्लासेस में, तो कितने क्वेश्चन कोचिंग क्लासेस से मिले हैं? कुछ बहुत सारे मिले हैं, राकेश सर ने भी करंट वरंट जीके वीके बढ़िया पढ़ा रखा है। अच्छा तो कितने क्वेश्चन लगभग कोचिंग क्लासेस में देखने को मिलते हैं अपन को, या फिर अदर गाइड अपन को पढ़नी चाहिए? अदर नहीं, जितना पढ़ो तो सारा कोचिंग का मैटर पढ़ना चाहिए, बाहर के मैटर से तो क्या है फिर माइंड डाइवर्ट होता है फिर। अच्छा बाहर के मैटर से माइंड डाइवर्ट होता है, एक जगह का पढ़ो। इसके अलावा जो मैथ वगैरह जो क्लासेज में पढ़ा रखी है या फिर उनमें से बैठ रहे हैं क्वेश्चन या फिर? अच्छा नाम क्या है? प्रियांशु पांसा। ठीक है, कहाँ से आया? ठीक है, अभी आपका एग्जाम? हम तो पेपर लेने आए थे। अच्छा पेपर लेने आए थे कैसा रहा भैया एग्जाम? बहुत अच्छा रहा, पेपर ठीक है। पेपर लेवल कैसा रहा है? लेवल इसका ग्रेजुएशन से थोड़ा हार्ड लगा, क्योंकि ग्रेजुएशन का जो सीट एगा हुआ था उसमें 100 क्वेश्चन जीके के थे। अच्छा इसमें मिक्स आ रहे हैं, और इसमें बहुत से मतलब इसका लेवल ठीक हमारा है, साइंस का ज्यादा एक्टिव हो रहा है, इसका लेवल ठीक था, मतलब इसमें सभी सब्जेक्ट कवर किए गए, इसमें सभी सब्जेक्ट कवर किए गए थे, मतलब सभी सब्जेक्ट तो जैसे हिंदी इंग्लिश और मैथ्स साइंस सभी, और जैसे वो सीटी ग्रेजुएशन हुआ था तो उसमें 100 क्वेश्चन तो जीके के थे। अच्छा इंडिया जीके ज्यादा था, इंडिया जीके ज्यादा था इसमें। हाँ और अपना करंट अफेयर ज्यादा था इसमें। कौन सा पोर्शन यहाँ पर, कौन सा पोर्शन टफ देखने को, और कौन सा साइंस का और इंडिया जीके का, दोनों टफ है और मैथ भी है, साइंस और इंडिया जीके और साइंस ये हार्ड था, और मैथ्स ठीक थी और जितने राजस्थान जीके ठीक था। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आए? रीजनिंग के लगभग 4-5 क्वेश्चन आए, उससे ज्यादा नहीं आए। इंग्लिश के, इंग्लिश के दो चार क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, 5-7 क्वेश्चन थे इंग्लिश के भी, 5-7 थे बाकी, दोनों के मिला के मतलब 15 क्वेश्चन। कल जो शिफ्ट होने वाली है और बाकी 11 तारीख को जो शिफ्ट होने वाली है, तो बच्चों को क्या बोलोगे, क्या पढ़ना चाहिए अभी? रिपीट हो रहा है उसमें, रिपीट हो रहा है, सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और मतलब ज्यादा रिपीट है, अगर प्रश्न वो आ रहा है तो उससे संबंध दूसरा आ रहा है। अच्छा उसी टॉपिक से आ रहा है, उसी टॉपिक से आ रहा है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बिल्कुल सारे मिल रहे हैं, 2-5 सुबह वाले में पूछा था, सेकंड ग्रेड का पूछा था, अभी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूछ लिया, वो मतलब कौन से नंबर के थे, और सुबह वही नंबर वाले चल रहे हैं, कुछ नए क्वेश्चन पूछ गए। लोकायुक्त से फर्स्ट शिफ्ट में आया था और इसमें भी आया था। अच्छा लोकायुक्त से, लोकायुक्त तो राजस्थान में मतलब राजस्थान जीके का पार्ट कितना देखने को मिला है? लगभग बहुत कम सर, 40% ग्रेजुएशन लेवल में तो लगभग 80% राजस्थान का कम था, ओवरऑल जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर था या सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दे रखा था उसके बाद इतना ज्यादा भी नहीं था सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो थर्ड शिफ्ट और जैसे कल 5 तारीख है, तो 5 तारीख को जो पेपर होने वाला है और 11 तारीख को पेपर होने वाला है, तो राजस्थान का जीके ऊपर से आ रहा है या डीपली आ रहा है? थोड़ा ऊपर से आ रहा है, जीके तो ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, मानचित्रावली वगैरह से काम हो जाएगा, हो जाएगा आराम से। तो कहाँ से आए हो आप? बपावर से। आप? मैं चित्तौड़गढ़ से आया। चित्तौड़गढ़ जालावाड़ जिले से। नाम क्या है? गौरव बाणा। कैलाश चंद्र जोगी। हैप्पी मेघवाल। गोविंद सिंह सोनते ठाकुर। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा इन्होंने एग्ज़ाम रिव्यू दिया है, और ये इन्होंने एग्ज़ाम पे सेंटर पे एग्ज़ाम करवाए हैं, तो इनसे ही पूछते हैं क्या क्या परेशानी आई आपको। परेशानी तो कुछ भी नहीं है, बच्चों का व्यवहार अच्छा था, टाइम से पेपर देने आ गए, और बच्चों की उपस्थिति देख कर लगता है कि अच्छा कर रहे हैं। मतलब कोई दिक्कत आई अंदर बच्चों में संभालने में या कुछ करने? नहीं नहीं, बच्चे बहुत सिस्टम में तरीका आ रहे हैं, आते हैं खुद ही रोल नंबर। आप एक ही शिफ्ट में थे या फिर अलग अलग? दोनों शिफ्ट में, तो एक ही क्लास में या अलग अलग क्लास? अलग अलग क्लास में दिया। अच्छा मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, मतलब मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा। हाँ और जो जैसे पहले के जो पेपर्स थे उनके अकॉर्डिंग अभी जो पेपर्स हुए हैं काफ़ी अच्छा देखने को मिला होगा? हाँ बढ़िया पेपर हो रहा है, मतलब ये अलग ही लेवल का पेपर है कि सब कवर करा देगा, मतलब कचरा यहाँ ही। अच्छा कचरा यहाँ सेपरेट करा देगा। तो क्या नाम है? पवन नाम है। और आपका? युवराज। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिव्यू देखने को मिला है, सीईटी ग्रेजुएशन का लेवल जो बता रहे थे उससे काफ़ी थोड़ा टफ देखने को मिला है। ग्रेजुएशन में लगभग 80% यहाँ पर जीके आई थी, अब 80% के अलावा यहाँ पर जो 12th लेवल का पेपर दिया है सारे एग्ज़ाम को जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो भी दिए हिंदी इंग्लिश सारे सिलेबस आपको इंक्लूड करा हुआ है यहाँ पर, मैथ और रीजनिंग भी। जो पहले मैथ के क्वेश्चन 5 आए थे यहाँ से बढ़ के अब 10 से 12 कोई 15 बोल रहा है लगभग, सारे आपके यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो सभी को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है और करंट पे ज़्यादा फोकस करना है। लगभग आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको करंट को देखने में मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे। अगर करंट का पार्ट रहेगा तो आप स्ट्रॉन्ग रहेगी। यहाँ पर जो एग्ज़ाम आपको देखने को मिला है काफ़ी अच्छा लेवल का, ठीक लेवल का मिला है, ना तो ज़्यादा टफ कह सकते हैं ना ज़्यादा आसान कह सकते हैं, मॉडरेट लेवल का अपन
पेपर को कह सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन देखें तो यहाँ पर साइंस थोड़ी मॉडरेट लेवल की बता रखे हैं, और जो जीके का अपन पेपर देखें तो उसमें मानचित्रावली देखने को मिल रही है लगभग। अगर कोई किसी ने सिकवाल की या मुमल की भी अगर मानचित्रावली पढ़ रखी है, वन लाइनर के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, वन लाइनर के यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट जो कल का जिनका एग्ज़ाम है, इसी में मैं सभी को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा।